हेलो दोस्तों गुड आफ्टरनून मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद यही कर रहा हूं कि बेहतर होंगे अच्छे होंगे हमेशा की तरह और अच्छे से आप कर रहे होंगे पढ़ाई काफ़ी दिनों के बाद हमारे इस लेक्चर में हमारी हो रही है मुलाकात सो बताइए एक बार फिर से कैसे हैं है ना वैसे मॉर्निंग में हम मिले थे आपके साथ दोस्तों मॉर्निंग में हमने लेक्चर किया था अपना करंट अफेयर का किन किन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैं उनसे बोलूंगा एक बार जाए और करंट अफेयर के लेक्चर को देख लें सचन सचिन सिंह ऋषि हिरांजन भारती सुजीत आफरीन मोहम्मद नाजिम सभी का स्वागत है यार खुशबू सिमी जितेंद्र ऋषि सरिका सुमन सिद्दकी साहब सलाम वालेकुम सभी का स्वागत है आपका आ जाइए फटाफट से नमस्कार और भी होता है आ आज यार गुड आफ्टरनून एवरी वन एक बार फटाफट से यार सेशन को शेयर कर दो लाइक कर दो ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकें वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके फटाफट से एक बार शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे साथ मिलकर सेशन को हम आगे बढ़ा सके सो so, दोस्तों हम बात करेंगे आज एशिया की बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साउथ ईस्ट एशिया अगर आपको याद हो पिछले कुछ लेक्चर्स तो सेकेंड पार्ट में मैंने साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ाया था आपको एशिया साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बताया था वहीं से कॉन्टिन्यू करूंगा पहले हुआ था ईस्ट एशिया उसके बाद आता है साउथ ईस्ट एशिया तो साउथ ईस्ट एशिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वहां से पूछे जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया क्रॉस रोड जिसको हम बोलते हैं आपका क्रॉस रोड ऑफ द कल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जानना पड़ेगा मानना पड़ेगा पहचानना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा आपको सारी चीज देखते हैं चलो मेरे साथ आप जुड़े हैं सही चीजें मैं आपको कराऊंगा दोस्तों तो ये पूरा पार्ट हम कर रहे हैं यूपीएससी सी एस और ट्वेंटी के एग्जाम के लिए यहां पर आप एक वर्ड देख रहे हो दोस्तों सुमित टेन दिस इज माय कोड इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द टेन परसेंट ऑफ ऑन एन अकेडमी अन अकेडमी पर दस परसेंट ऑफ प्राप्त करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों जब भी आप अकेडमी को ज्वाइन करते हो अकेडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर यू नीड अ कोड आपको एक कोड की आवश्यकता होती है आपको एक रेफरल कोड की आवश्यकता होती है इन दैट केस यू कैन यूज दिस कोड सुमिट टेन आप इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे एंड यू विल गेट द टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट अन अकेडमी पर दोस्तों टू ईयर का जो अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है इट विल कॉस्ट यू अराउंड सिक्सटी फोर थाउजेंड यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट फिफ्टी सेवन थाउजेंड वन ईयर का जो कोर्स है इट विल कॉस्ट यू अराउंड कितना फोर्टी फोर एंड यू कैन गेट दिस कोर्स ऑन होल कोर्स ओनली एट थर्टी नाइन थाउजेंड सो दोस्तों समझ रहे हो पहला तो आपको मैं डिस्काउंट दिलाऊंगा इसी कोड का इस्तेमाल करके और दूसरा आपको दोस्तों गाइडेंस देखो मेरे साथ साथ अनकेडमी के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं सभी के साथ मैं आपको इस कोर्स में जोड़ूंगा सभी के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो सभी के साथ आप बैठ के उनसे गाइडेंस ले सकते हो उनके डाउट सॉल्विंग क्लास एवरीथिंग एक कोड पूरी क्लासेस आप कर सकते हो दोस्तों लेकिन याद रखना दोस्तों आप जब भी कोड इस्तेमाल करोगे जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित टेन आपको सुमित टेन कोड ही इस्तेमाल करना है ठीक है फटाफट आइए दोस्तों ज्वाइन कीजिए अकेडमी पे अकेडमी पर अभी मेरे करंट क्लाइमेट चेंज का कोर्स कंटिन्यू है वहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स कंटिन्यू है इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स कंटिन्यू है दोस्तों इकोलॉजी का कोर्स कंटिन्यू है बहुत सारे कोर्सेज हैं दोस्तों एंड मेनी मोर्स टू कम जस्ट ज्वाइन मी बाई यूजिंग द कोड सुमित आपको क्या करना है दोस्तों जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित टेन आपको सुमित टेन कोड का इस्तेमाल करना है एंड ज्वाइन करना है मुझे अन अकेडमी के ऊपर चलिए नाउ नाउलेट स्टार्ट विद एशिया एशिया के बारे में कुछ कुछ बातें हम ऑलरेडी कर चुके थे ठीक है एशिया के बारे में मेजर फैक्ट्स ये क्या क्या थे कितना बड़ा है नॉर्दर्न पॉइंट सदर्न पॉइंट सिचुएशन कहां है एशिया की मतलब एशिया के आगे पीछे कौन है ऊपर है आर्टिक सागर नीचे है इंडियन ओशियन इधर अगर मैं बात करूं मेडिटेरेनियन सी इधर बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन ये सारी बातें हमने पढ़ी थी अगर मैं बात करूं एशिया को इधर यूराल माउंटेन यूराल रिवर कैकेसूज माउंटेन कैसपिनसिन ब्लैक सी ये बेसिकली सेपरेट करते हैं एशिया को किससे यूरोप से पढ़ लिया था नीचे अगर चलते हैं यूरोप के बाद में तो यूरोप के बाद में क्या आता है दोस्तों अफ्रीका तो अफ्रीका से वो अलग कौन करता है इसको रेड सी स्टेट ऑफ डार्स उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका तो स्वेज जो आपका ऑफ स्वेज स्वेज है कैनाल जिसको बोलते हैं वो इसको सेपरेट करते फ्रॉम द अफ्रीका ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये इनके सेपरेशन है मेनलैंड से जो इसको अलग करते हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिया है दोस्तों साथ ही साथ बढ़ते हैं दोस्तों डिवीजन ऑफ एशिया मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों पूरे एशिया को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देख रहा है आपको है ना तो हमने कौन सा पढ़ लिया कौन सा नहीं पढ़ा सारी चीज मैं आपको बताऊंगा टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो मैंने एशिया को छह अलग अलग भागों में बांटा था पहला था नॉर्थ एशिया दूसरा था ईस्ट एशिया तीसरा था मेरे पास साउथ ईस्ट एशिया फोर्थ था मेरे पास साउथ एशिया उसके बाद वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया सर कौन सा हम पढ़ चुके हैं अगर मैं मेजोरिटी से बात करूं आपका बिल्कुल जो मैंने कंप्लीट कर लिया है तो हम ईस्ट एशिया जो पढ़ा है वो पढ़ चुके हैं ईस्ट एशिया में बेसिकली चाइना उसके बाद हांगकॉन्ग उसके बाद मकाओ ताइवान जापान कोरिया कोरियन पेनिसुला देख चुके हैं अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस भाग की ठीक है एंड यूपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एशिया से आने की प्रोबेबिलिटी है तो कहां से आते हैं आपका दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉन एज द क्रॉस रोड ऑफ द कल्चर कल्चर का क्रॉस रोड इसको कहा जाता है सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द साउथ ईस्ट एशिया आज हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में जानने वाले हैं ठीक है इसके बारे में देख चुके हैं क्या क्या पढ़ा था हमने ईस्ट एशिया में सर ईस्ट एशिया मैंने पढ़ा था चाइना के बारे में ईस्ट एशिया हमने पढ़ा था आपका मकाओ के बारे में ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ा था हॉन्गक के बारे में ईस्ट एशिया हमने जापान पढ़ा था इधर देखो जापान हो गया ईस्ट एशिया में हमने तो कोरियन पेनिसुला के बारे में पढ़ा देखो यार अब ना आपको सारी चीजें एकदम याद होनी चाहिए क्या पढ़ा था कहां से पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था सब है ना जब मैं बोल रहा हूं कोरियन पेनिसुला कोरियन पेनिसुला जो आपने पढ़ा था ये क्या है दोस्तों जैपनीज पेनिनसुला जापान के बारे में पढ़, चुक, पढ़ चुके हैं हम उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम हांगकांग वगैरह सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पार्ट हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में आज जानने वाले हैं चलिए सो यह था चाइना पढ़ चुके हैं तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं ठीक है वैसे दुनिया का तीसरा बड़ा देश माना जाता है चाइना ये इंपॉर्टेंट लोकेशन थी उसकी सारी चीज हमने देख ली थी वुहान हांगकांग मैंने बताया था 1997 तक ये ब्रिटिश कॉलोनी था 1997 में एग्रीमेंट हुआ ब्रिटिश ने ब्रिटिशर ने इसको सौंप दिया किसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को और उसके बाद इसको कुछ ऑटोनॉमी दी गई कुछ स्वतंत्रता स्वायत्ता के अधिकार इसको दिए गए थे किसको हांगकांग को ठीक है कुछ अधिकार दिए गए थे बट अब वो जो लॉ है वो जो अधिकार हैं ऑटोनॉमी के वो सारे के सारे क्वेश्चनेबल हैं सब के सब चैलेंजेबल हैं है ना और आप देखो तो चाइना लगातार उनको क्या कर रहा है दोस्तों उनको डिफाई कर रहा है, है ना हांगकॉन्ग के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मीजर स्ट्रिक्ट आपका अगर मैं बात करूं आपका तो डिफेंस लॉ तो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर इम्पोज की जा रही है जिसका पूरी दुनिया भर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जिसको हम हॉन्गकॉन्ग जो चाइना को है हम क्या कर रहे हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्वेंटीन सेंचुरी के अंदर अगर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर अगर मैं बात करूं दो बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरी दुनिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट होगी सबसे पहला तो एक इनकी जो देन है एक पैंडमिक सिचुएशन द कोरोना वायरस एंड द सेकंड इज द सिक्योरिटी मीजर और जो जिस प्रकार की सिचुएशन इन्होंने हांगकॉन्ग में जनरेट की है वो सो दीज टू थिंग्स जिससे ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड जो है वो चाइना के अगेंस्ट है आपको पता भी होगा जापान ने अभी अनाउंस कर दिया कि जितनी भी उसकी कंपनीज हैं अगर वो चाइना में आप उनका बेस है एस्टैब्लिश है उन्हें बोल दिया चाइना छोड़ो और साउथ ईस्ट एशिया में जाओ और इसके लिए उनको सब्सिडी भी दी जाएगी साउथ ईस्ट एशिया मतलब भारत में जाओ बांग्लादेश में जाओ म्यांमार में जाओ इन देशों में जाओ तो आपको क्या मिलेगा आपको सरकार जो है वहां की जापान की सरकार जो है वो फंड भी देगी वो पैसा भी देगी सब्सिडी भी देगी है ना ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये था हांगकॉग के बारे में ऑल डिस्कस कर चुके हैं हम हांगकॉन्ग के बाद बात करूं मकाओ मकाओ भी कैसा छोटा सा देश है ठीक है छोटा सा एक ए, एरिया है ये भी किसके अंडर में आता है ये भी आपका चाइना के अंडर में है ट्वेंटी स्क्वायर किलोमीटर है ना चार साल तक पुर्तगीज ने इस पर रूल किया है अब एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर रीजन बन गया किसका दोस्तों आपका चाइना का है ना सो मकाओ जो है इट इज अंडर द पुर्तुगीज फॉर द 442 फोर्टी टू ईयर चार सौ बयालीस साल तक ये उसके अंडर में रहा था ये आपका सिंह रिवर दोनों ही हांगकॉग भी और सीए भी दोनों भींग रिवर के पास में है मकाओ जो है इसके अगर मैं बात करूं आपका तो साउथ वेस्ट रीजन के अंदर में आपका क्या साउथ वेस्ट रीजन में स्थित है क्या आपका दैट इज हांगकॉन्ग या हांगकॉग के नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात करूं तो मैं मकाओ स्थित है आपका ठीक है तो मकाओ हो गया उसके बाद ताइवान भी हमने बात किया था दिस इज ताइवान एक छोटा सा इलाका है ठीक है बहुत ही अगर मैं बात करूं आपका तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए बहुत फेमस है बहुत जाना जाता है दोस्तों ताइवान के बारे में बात कर रहे हैं हम है ना और ताइवान जो है ये बोलते हैं कि ताइवान वाले बोलते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट है बट चाइना इस पे भी अपना क्लेम करता है चाइना कहता है नहीं भाई ताइवान भी मेरा ही है वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ये सारी टेरिटरी को अपने अंदर मानता है अपने अंदर में क्या करता है दोस्तों क्लेम करता है कैपिटल है ताइपाई ठीक है साउथ ईस्ट कोस्ट पर है चाइना के इसको पहले फोरमासा भी हम बोलते थे ठीक है तो ये हो गया अपना चलिए आगे बढ़ते हैं आपका ताइवान के बाद जापान जापान मैंने बोला था तो, कैपिटल है टोक्यो चार मुख्य आइलैंड है जिनसे मिलकर आपका जापान बनता है एशिया का पहला कंट्री जिसने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि वेस्टर्न कंट्रीज ही सब कुछ नहीं है चाहे तो आपका एशियन कंट्री भी कुछ भी कर सकती है ना पहला इंडस्ट्राइज कंट्री वर्ल्ड का जो एशिया से था दैट इज जापान है ना अगर मैं बात करूं तो जापान के पास में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो लिमिटेड है मतलब कम है ह्यूमन रिसोर्स लेकिन उन रिसोर्सों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए तो वो आप जापान से सीखो है ना

तो लार्ज पॉपुलेशन है और पूरा टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन है सब चीजों के लिए जापान जाना जाता है टेक्नोलॉजी के लिए तो जापान जाना ही जाता है चार आइलैंड भी है आपको पता ही होगा और क्या था आपका ठीक है ये चार आपका हॉकीडो और दीज आर द फोर आइलैंड मेन आइलैंड जिनसे मिलकर ये बना होता है टोक्यो उसके बाद योकोहामा कावासाकी है ना ये मैंने बताया क्योटो नगोया क्योटो प्रोटोकॉल जानते हो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के कंट्रोल के लिए किस प्रकार से वायुमंडल में हम ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करें तो उनके लिए क्या साइन हुई थी आपका क्योटो प्रोटोकोल जापान का एक शहर है क्योटो वहां पर ये प्रोटोकॉल बेसिकली साइन हुई थी दैट्स द क्योटो प्रोटोकॉल सिमिलरली नगोया प्रोटोकॉल जो है नगोया जो है वो डिट्राइड ऑफ जापान कहते हैं बिकॉज इट्स फेमस फॉर द ऑटोमोबिल इंडस्ट्रीज है, है ना ऑटोमोबिल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है और नेगोए के अंदर में भी एक प्रोटोकॉल आपकी साइन हुई है आपको अच्छे भली बात ही पता है मोन्ट्रील प्रोटोकॉल की जो बाद में आई थी संधि दैट इज द नेगोए प्रोटोकॉल दैट इज साइंड बिट इन द नेगोए एंड नेगोए इज लोकेटेड इन द जापान दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं आपका क्योटो प्रोटोकॉल और आपका नेगोए प्रोटोकॉल उससे अलग, अलग अगर मैं बात करूं योकोहामा उसके बाद कावासाकी कावासाकी मराइन इंजीनियरिंग के लिए फेमस है सीमेंट वर्क ग्लास वर्क के लिए फेमस है टोक्यो तो कैपिटल आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंडस्ट्रीज इनके लिए जाना सीट ऑफ द गवर्नमेंट है दुनिया की लार्जेस्ट सिटी आफ्टर द मेक्सिको दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड द हेविली पॉपुलेटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है ना फर्स्ट नंबर पे कौन आता है मैक्सिको सिटी जो मैक्सिको की कैपिटल है योकोहामा की बात करते हैं हम आपका थ्राइविंग पोर्ट ऑफ द योकोहामा चौंतीस किलोमीटर साउथ टोक्यो है और बहुत प्रसिजन इंजरी सिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है कावासाकी जो है मराइन इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है सीमेंट वर्क ग्लास वर्क ये मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ ठीक है आज बात करते हैं नॉर्थ कोरिया भी हो चुका है साउथ कोरिया भी हो चुका है कुछ खास था नहीं साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया इज ऑल्सो नोज द क्रॉस रोड ऑफ द कल्चर इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों आपका क्रॉस रोड ऑफ कल्चर के नाम से जानते हैं कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल होते हैं दोस्तों इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हे इट इंक्लूड्स द इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम एंड द फिलीपींस दीज आर द डिफरेंट नेशंस व्हिच कम्स अंडर द साउथ ईस्ट एशिया ये साउथ ईस्ट एशिया के अंडर में आते हैं इस क्षेत्र में इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम और फिलीपींस जो है ये देश शामिल हैं ठीक है कहां पर है ये देख सकते हो आप दोस्तों म्यांमार हो गया लाओस थाईलैंड वियतनाम कंबोडिया मलेशिया एंड दिस इज सिंगापुर एंड आफ्टर द सिंगापुर दिस इज द इंडोनेशिया तो ये कंप्लीट पार्ट जो है आपका इट फॉर्म्स दी साउथ ईस्ट एशिया नाउ बाय वन बाय वन लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन इज द इंडोनेशिया अब इंडोनेशिया क्या है दोस्तों अब लास्ट क्लास में हमारी बात भी हो चुकी थी इंडोनेशिया दुनिया का लार्जेस्ट आरलैंड आर्चियोलेज मतलब आइलैंड के समूह से अगर मैं द्वीपों के समूह से बात करूं तो दुनिया में सबसे बड़ा देश जो सिर्फ और सिर्फ द्वीपों के समूह से बना है उसका नाम क्या है दोस्तों इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया जो है वो सबसे अधिक द्वीपों के समूह से बना हुआ क्या है दोस्तों देश है मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में तीन आइलैंड होंगे मुख्यतः तीन आईलैंड दोस्तों है ना बाकी और तो बहुत सारे हैं मुख्यतः तीन आइलैंड है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप देख पा रहे हो दोस्तों यहां पर दिस इज मलेशिया ठीक है ये मलेशिया है दोस्तों मलेशिया के बाद में यहां पर देखोगे सो ये क्या है दोस्तों दिस इज सुमात्रा ठीक है उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो दिस इज जावा है ना ये जावा है दिस इज बोर्निया यहां पर आप देखोगे सो दिस इज द आइलैंड ऑफ द बोर्निया एंड हियर लाइज द प्पा न्यू गुआइना ये है ठीक है इनको चारों को मिलाकर ये मेन चार आइलैंड है वन टू थ्री फोर ये चार मुख्य आइलैंड से मिलकर आपका बना हुआ है कौन सा इंडोनेशिया वैसे तो बहुत सारे आइलैंड आपको दिख ही रहे होंगे छोटे छोटे सो so, कैपिटल है जकर्ता इंडोनेशिया द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया लाइज बिटवीन द इंडियन एंड द पैसिफिक एंड द मोस्ट ऑफ द मलायन आर्ची ईस्ट इंडीज जैसे वेस्ट इंडीज है ना ऐसे ईस्ट इंडीज भी है और ईस्ट इंडीज के अंदर में देखो ये रहा कितने सारे आइलैंड है यार मतलब मैं बताऊं उतना ही कम है ठीक है बहुत सारे आइलैंड है लेकिन मुख्य आइलैंड जो है वो मैंने आपको बता दिया मुख्य आइलैंड कितने हैं मेरे पास यहां पर सो so, हेयर जो मुख्य आइलैंड है मेरे पास वो है तीन पहला है आपका जावा सुमात्रा बोर्निया एंड द पापा न्यू ग्वाइना ठीक है ये है इधर ये भी बड़ा है सुलवासी जिसको हम सिलेबस बोलते हैं ये भी बड़ा है तो इसको भी आप गिन सकते हो तो चार से पांच बड़े बड़े आइलैंड हैं अदरवाइज सारे के सारे छोटे आइलैंड है दुनिया भर के अंदर फेमस है इट इज फेमस इंग्लिश कंपलसरी के लिए क्या करे प्लीज सजेस्ट एनीथिंग जिससे बेस्ट कर सके बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से हूं यार इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ नहीं है आपको जो नॉर्मल आपने टेंथ ट्वेल्थ तक इंग्लिश पढ़ी है ना वही है बस ज़्यादा उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना होता वो बस चेक करना चाहते हैं कि इंग्लिश आती भी है नहीं आती है ना तो इसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल से तो करना नहीं होता आपको सिर्फ इतना ध्यान देना होता था कि जो पढ़ाया जाए देखो यार ये जब बच्चे आप इंग्लिश हिंदी में करते हो ना सर इंग्लिश में कराओ हिंदी में कराओ ये चीज़ वहां पे आपको सोचनी चाहिए बिकॉज एक पेपर इंग्लिश का भी होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझ नहीं आता उस समय आप सोचते हो कि यार सर ने तो इंग्लिश में करा दिया सर अपना पीछा छुड़ा रहे हैं अरे भाई नहीं यार इंग्लिश का एक एग्ज़ाम भी तो होता है एंड वो कंपलसरी एग्जाम है वो करोगे तो ही पेपर चेक होगा आपके आगे मीन्स के नहीं तो होंगे ही नहीं चेक तो वहां पर भी आपको इंग्लिश को क्वालिफाई करना है तो आपको इंग्लिश तो आना चाहिए बिकॉज कोई बच्चे तो होते हैं वो इंग्लिश का एक वर्ड देखते ही कहते हैं नहीं नहीं सर हिंदी में कराओ हम नहीं पढ़ रहे हम नहीं पढ़ रहे हिंदी में कराओ भैया इंग्लिश का भी एक पेपर है ठीक है जो आप जब एग्जाम दोगे ना तब ये चीजें आपको क्या आएंगी दोस्तों समझ में आएंगी सो इंडोनेशिया के बारे में हमने पढ़ा था इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट कुछ आप एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है 10, 12 तक जो आपने इंग्लिश पढ़ी है दैट्स गुड दैट्स बेटर दैट्स फेयर इनफ प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ है ना जो पास्ट ईयर में आए हैं ट्राई टू सॉल्व देम और देखो क्या आपसे सॉल्व हो रहा है क्या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा अगर आपसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो सॉल्व नहीं हो रही ट्राई टू गेट दैट ठीक है फ्रॉम एनी बुक आप उनको पढ़ने की कोशिश करो किसी भी किताब से किसी भी नोट्स के द्वारा आप उसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हो इंडोनेशिया जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड आर्चो है मैंने बता दिया आर्चो का मतलब क्या है? आइलैंड के अगर छोटे छोटे द्वीप के समूह से बना हुआ सबसे बड़ा देश अगर मैं बात करूं आपका देखो यहां पर आपकी कई वर्ड है ग्रीनलैंड तो है, है? है ना सबसे बड़ा तो वैसे ऑस्ट्रेलिया बट ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी कहलाता है इसलिए हम उसको लार्जेस्ट आइलैंड नहीं बोलते अगर ऑस्ट्रेलिया भी ऑप्शन में तो सबसे बड़ा जो आपका आइलैंड होगा दैट इज ऑस्ट्रेलिया उसके बाद क्या आता है आपका ग्रीनलैंड है ना लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं लार्जेस्ट आयलैंड आर्च्योपैलेस दैट आई एम आस्किंग यू समथिंग डिफरेंट मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे आई एम टॉकिंग अबाउट वो देश जो आइलैंड के समूह से बना है आइलैंड द्वीपों के समूह से बना है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है आइलैंड के द्वीपों के समूह से बना हुआ सो so, उस देश के अंदर नाम आता है किसका दोस्तों आपका दैट इज इंडोनेशिया सो इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड आर्च्योपैलेज दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड के समूह से बना हुआ क्या है दोस्तों आपका ये देश है इट कंप्राइजेस ऑफ द आइलैंड मेनली कौन कौन से हैं दोस्तों देखो यहां पर लिखा हुआ है सुमात्रा यह जया, जया बोर्निया ठीक है बाली एंड दी लेसर सुंडा आइलैंड ठीक है ये सारे के सारे आपके यहां पर स्थित है मैंने आपको बता दिया मेजर वही है चार पांच आइलैंड जो मैं बोल रहा हूं आपको बाकी तो छोटे छोटे दुनिया भर के आइलैंड्स हैं उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है बात समझ में आ रही है दोस्तों हिंदू पढ़ने के लिए इंग्लिश क्लियर हो जाएगी ना हाँ बिल्कुल हो जाएगी भाई बिल्कुल हो जाएगी ठीक है बिल्कुल हो जाएगी अरे हम पहले दिन से ऐसा इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े इसीलिए जब मैं जो कंटेंट बनाते हैं हम वो बाइलिंग्वल रखते हैं लेकिन क्या करें आप लोग मानते ही नहीं हो सुनते नहीं हो ना आप यार चलो कोई बात नहीं एक बार एग्जाम जब दे लोगे ना तब आपको सब समझ में आ जाएगा तब समझ में आएगा कि हाँ यार सारे सर तो जो बात बोलते थे वो सही बोलते थे हम ही पता नहीं क्या करते रहते थे ठीक है बाकी सारे अच्छे बच्चे हो आप मानते हो इंग्लिश के लिए सिर्फ पेपर डाउनलोड कर लो प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो और कोशिश करो देखने की कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है जिस भी पैराग्राफ में जिस भी पोर्शन में दिक्कत आ रही हो ठीक है उसको करेक्ट कर लो सिंपल अच्छा दोस्तों एक बात बता देता हूं मैं पॉलिटी क्लास जो हमारी स्पेशल क्लास है मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है टिंग द पॉलिटिक क्लास अगैन हम की जो स्पेशल क्लास है अन अकेडमी ऐप के ऊपर मैं उसको दोबारा से शुरू कर रहा हूँ आपको सुनाई दिया तो एक बार कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा सभी लोग जो है थम्सअप दें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको सुन गया चाहते हो पॉलिटी क्लास अपन दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं ऑन दिन ऐप इज इट ओके फॉर यू चाहते हैं आप करी जाए सर मैं समझता मुझे सब मालूम है दिया है एग्जाम ओके मोहम्मद नाजिम करवा दी बेज्जती हिंदी मीडियम वालों की अरे बेज्ज़ती की बात कहती हर चीज़ बेजती इज्जत की होती है क्या हैं हर चीज़ बेजती इज्जत की होती है मेरी बात इतनी लगती है आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए यार मैं आपके हित के लिए बता रहा हूँ ठीक है मेरे को कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता भाई आप लोग आई बन जाओगे तो मुझे खुशी होगी ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी सैलरी मुझे दे जाओगे <laughs> नहीं ना आप बनोगे तो आपके लिए अच्छा होगा है ना बेहतर होगा ना बस हाँ मेरे को याद जरूर रखना है ना कि मैं कोई पढ़ाता था आपको ऐसे है ना और रोज रोज मैं डांट लगाता रहता था कि नहीं पढ़ते हो है ना गुस्सा दिलाते थे आप बस थोड़ा सा ये याद रखना नहीं ओके यार मी टू मी टू मी टू यार यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे अभी संभव नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे स्लॉट हैं दोस्तों जो भरे हुए हैं ठीक है, है? यूट्यूब पे बहुत सारे स्लॉट हैं So, YouTube पे इट्स नॉट इम्पॉसिबल इट्स नॉट पॉसिबल बुक ऑफ जोग्राफी अरे मैं सारा का सारा जोग्राफी आपके सामने खड़ा हूं यार आप, आपको बुक की भी जरूरत पड़ती है क्या देखो ये बुक और ये सब वो बच्चा पूछेगा जो ढंग से मैं देखो बुरा मत मानना जो बच्चा मेरा लेक्चर ढंग से नहीं देखता वो किताबों की बात करेगा बिकॉज उसको पता ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जो किताब अच्छे से पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ दोस्तों आज इवनिंग के अंदर अपना लेक्चर है इंडियन जोग्रफी का और वो बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज क्लाइमेट इंडियन क्लाइमेट आई एम गोइंग टू तो स्टार्ट ऑन सेकेंड चैनल जिसका नाम आप लोगों को पता ही है दोस्तों अन अकेडमी यूपीएससी लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी रात को साढ़े नौ बजे से अपन स्टार्ट करने वाले क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन जोग्राफी ठीक है और उसके अंदर क्या इंडियन क्लाइमेट दैट इज मॉनसून ठीक है हाँ इकोनॉमिक्स की क्लास भी हफ्ते में तीन दिन चलेगी उसके बारे में भी बता दिया जाएगा सो so, इंडोनेशिया कैपिटल है जकर्ता इंडोनेशिया लार्जेस्ट कैपिटल ऑफ द कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की है ना लाई कहां करता है सब हो गया सर सब हो गया सब हो गया तो रिवाइज करा रहे थे सर आप हमें ठीक है सुलवासी तिमूर वेस्टर्न हाफ ऑफ द आइलैंड न्यू ग्वाइना मेनी स्मॉलर ग्रुप ऑफ द आईलैंड छोटे छोटे आइलैंड है बहुत सारे चलो इनके बारे में हम बातचीत तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों जावा इसके जब आइलैंड की हम बात कर रहे हैं तो आइलैंड बहुत सारे हैं यहां पर और एक आइलैंड है इसमें जावा जावा आइलैंड कहां पर था दिस इज जावा अच्छा ये लास्ट क्लास में करा दिया था क्या मैंने इनको डिटेल में पढ़ा दिया था क्या लास्ट क्लास में यार जल्दी बता दीजिए एक बार लास्ट क्लास में हो गया था जसनीत कौर वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास तीन दिन होगी देखो ध्यान दो ध्यान दो यहां पर मंडे ट्यूसडे, वेडनसडे 2 पी एम वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है खत्म उसके बाद में तीन दिन और बचे अपने पास कौन कौन से बचे तीन दिन की अगर मैं बात करूं तो अपने पास बचे Wednesday के बाद थर्सडे फ्राइडे और हो सका तो सैटरडे नहीं तो ये दो दिन जो होंगे यहां पर हम क्या चलेंगे अपनी बायोडाइवर्सिटी बजे होगा ये ये भी 2 पीएम होगा अरे मैं ऐसा करता हूं यार मैं एक, एक थंबनेल बनवा के क्लास के स्टार्टिंग में लगा देता हूं आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूं आपको पता चल जाएगा अदरवाइज आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे कन्फूजी आते रहोगे कि पता नहीं कब किस दिन किसकी चीज की क्लास है ओके ठीक है डन पॉलिटी का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा डोंट वरी मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप पे क्लास लगा के जकर्ता ठीक है ये हमने पढ़ लिया अच्छा ये हुआ था कि नहीं हुआ था जावा वगैरह के बारे में कर लिया था क्या हमने नहीं किया था ना चलो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्टार्ट करते हैं सो अगर मैं जावा देखूं तो कहां पर है दोस्तों दिस इज जावा दिख रहा है आपको नीचे आई होप आप सभी को दिख रहा हो ठीक है या यहां पर देख सकते हो आप दिस आइलैंड ये जो नीचे दिख रहा है आपको जावा सी के पास में सो ये जो है दिस इज द जावा जावा ये बोलकैनिक रीजन का है लावे से बना है, है। इसीलिए जब बोलकैनो से बना है दोस्तों तो सॉइल पाई जाती है कैसी पता है ब्लैक सॉइल काली मिट्टी वोल्केनिक ब्लैक सॉइल पाई जाती है यहां पर और बहुत रिच रीजन है बहुत फर्टाइल है बहुत ज्यादा दुनिया के अगर मैं जो आईलैंड में सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में बात करूँ मतलब जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है लोग कहां रहेंगे जहां पर संसाधन होंगे जहां पर नदी होगी पानी होगा जहां पर भूमि उपजाऊ होगी तो दुनिया में ये जो है अगर मैं डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड में बात करूं सो जावा इज द डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड बिकॉज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट बिकॉज यहां पर वोल्केनिक रिच ब्लैक सॉइल मिलती है ठीक है याद रहेगा दिस इज सुमात्रा दिस इज जावा एंड दिस इज थर्ड नंबर दट इज बोर्निया उसके बाद अगर मैं इधर बात करता हूं आपका ठीक है पा न्यू गुआइना हमें पढ़ रहे हैं ठीक है यहां पर भी देख सकते हो दोस्तों सो दिस इज द जावा जो नीचे आप पढ़ रहे हो दिस इज द जावाइलैंड तो जावा के बारे में क्या पढ़ा हमने लाइज होली इन द सदर हेमिस दक्षिणी गोलार्द में लाइक करता है. क्या सही बोल रहे हैं? हम हाँ हम कंप्लीटली सही बोल रहे हैं बिकॉज फ्रॉम हियर यहां से आपका लगभग यहां से आपकी इक्वेटर पास होती है सो so, यह दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या होता है सो इट लाइज एंड दूंडा बे सुमात्रा से इसको कौन अलग करता है ध्यान से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मैं पहले भी बोलता था आपको दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर ये जगह देख रहे हो आप ये ये क्या है सुमात्रा है ना दिस इज सुमात्रा दिस इज जावा है ना और इनको बीच में जो अलग करता है ना दिस इज सूंडा स्ट्रेट ऐसी दो स्ट्रेट एक तो सूंडा है, है ना और एक और है जिसको हम बोलते हैं मलाक्का स्टेट सो हियर ये दिख रहा है आपको ये ऊपर क्या है दिस इज मलेशिया ये दिख रहे हो आप ये मलेशिया इधर ये अगर मैं बात करूं दिस ये आपके साथ ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट ये क्या है पता आपको दिस इज मलेशिया तो ये मलेशिया हो गया और ये मेरे पास नीचे क्या है दोस्तों दिस इज नथिंग बट इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज सुमात्रा किसका भाग है सर ये भी तो इंडोनेशिया का भाग है तो अगर आप देखो सुमात्रा और जावा इनके बीच में है तो क्या इनके बीच में तो है आपकी दिस स्ट्रेट विच इज नॉन एज सुंडा स्ट्रेट सुंडा जल संधि साथ ही साथ में अगर आप यहां देखोगे इन दोनों के बीच में ये देख रहे हो आप ये जो है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज नोन एज द मलाका स्ट्रेट ये भी क्या है दोस्तों मलाका स्टेट बोथ स्टेट आर इंपॉर्टेंट चाहे वो सुंडा स्टेट हो चाहे वो मलाका स्टेट हो दोनों ही दोनों इंपॉर्टेंट है वाई दीज आर बिकॉज़ दीज आर द इम्पोर्टेंट सी रूट समुद्र से आपका साउथ चाइना सी विट इज द डिस्प्यूटेड एरिया सो दोनों से जो ट्रेड होता है ना वो यहीं से होके okay जाता है ठीक है दोनों देशों में से तो दीज टू स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से ट्रेड रूट है, 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 तो है? दोस्तों दो। दोस्तो, सुंडा स्टेट और दूसरी क्या है दोस्तों मलाका स्ट्रेट याद रखनी ही पड़ेगी कोई और आपके पास में चारा नहीं है तो जावा आइलैंड हम पढ़ रहे थे बाकी जावा छोड़ दो अगर मैं यहां पर अभी तक याद करने की बातें आपको बताऊं तो क्या क्या बताया मैंने मैंने पहला बताया कि सर जो मलेशिया है जो इंडोनेशिया है वो मुख्यतः सुमात्रा जावा बोर्निया ठीक है और इधर चलेंगे तो पापा न्यू ग्वाइना इनसे मिलकर बना और भी बहुत सारे हैं सुलवासी सेलेबस, ठीक है बांडा माली तो बहुत सारे आइलैंड है बट डीज आर द मेन और इंपॉर्टेंट आइलैंड सबसे ज्यादा तीन तो यही है पहला है आपका सुमात्रा दूसरा है जावा और तीसरा क्या बोर्निया अब यहां पर देख रहे हो जस्ट इसके ऊपर ये है सिंग, मलेशिया दिख रहा है ना आप ऊपर देखो कुल्ला कैपिटल है और इसके जस्ट यहां पर है सिंगापुर है ना और सिंगापुर इतना फेमस है क्यों फेमस है पता है सिंगापुर भी इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर ट्रेड रूट के लिए जाना जाता है ये ट्रेड है वैसे कसीनो वसीनो चलते हैं बहुत पैसा आता है यहां पे ठीक है बहुत पैसा आता है यहां से सिंगापुर जो है यहां पर अगर आप देखोगे सो गाइज यहां पर ये जो दिख रहा है ना आपको ये मलेशिया और एक नंबर पर क्या है सर एक नंबर पे अभी तो बताया आपने सुमात्रा बस इनके बीच में जो है ना दिस इज मलाक्का स्टेट देखो भूलना नहीं है इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूं मलाक्का स्टेट अगर कोई पूछे आपसे तो किस किस को अलग करता है आप सिंपल बताओगे सर मलेशिया को किससे अलग करता है दोस्तों आपका दिस इज सुमात्रा सो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में क्या है दैट इज मलाका स्टेट एंड हियर यहां पर अगर मैं देखूं आपका दिस इज मलेशिया दिस तो इज सुमात्रा दिस इज जावा ये क्या है दोस्तों दिस इज नथिंग द सुंडा स्ट्रेट मलाका एंड सुंडा स्ट्रेट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट तो एक तरफ क्या है इसके एक तरफ है सर जावा और दूसरी तरफ क्या है सर सुमात्रा और ये दोनों स्टेट इंपॉर्टेंट क्यों हैं बिकॉज यहां से दोस्तों दे कनेक्ट द इंपॉर्टेंट सी रूट सी रूट से कनेक्टेड होती है आपका ये रास्ता ठीक है और ये रास्ता दोनों समुद्र से कनेक्टेड होता है साउथ चाइना सी और बहुत सारा ट्रेड यहां से व्यापार जो है वो यहां से पास होता है इन अदर वर्ड वी कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट में से एक आता है नाउ विल टॉक अबाउट द जावा जावा के बारे में बताया मैंने आपको जावा ये रहा दोस्तों इट इज अ वोकैनिक ओरिजिन आइलैंड वुलकैनिक ओरिजिन आइलैंड है एंड ये रिच है किसमें दोस्तों ब्लैक सॉइल के अंदर काली मिट्टियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं एंड दैट्स इट इज डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड बहुत डेंसली पॉपुलेड आइलैंड है मतलब इंडोनेशिया की अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो ये बहुत हैविली पॉपुलेटेड है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी बेसिकली दोस्तों पाई जाती है कहां पर आपका जावा के अंदर गेटिंग माई पॉइंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं

सुमात्रा बोर्निया न्यू, न्यू सेलेबस, माली, इन से मिलकर बना हुआ है जावा जो है एरिया में एक बटा लेकिन, 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 इंडोनेशियन, इंडोनेशियन कहां पर रहते हैं दोस्तों आपका दो इंडोनेशिया रहते हैं आपका जावा के अंदर में वाई दिस इज बिकॉज ऑफ द रिच फर्टाइल ब्लैक वोल्केनिक ओरिजिन सॉइल विच इज प्रेजेंट इन द जावा देखो जनसंख्या वहीं रहेगी जहां पर उसके लिए लाइवलीहुड के रिसोर्सेज आपके अवेलेबल हो सके अगर लैंड फर्टाइल है एग्रीकल्चर कर सकते हो ठीक है आप वहाँ पर एनिमल हस्बैंड्री एनिमल के हस्बैंड बन सकते हो हस्बैंड मतलब देख रेख करने वाला ठीक है नॉट दैट हस्बैंड है ना पता चला जी बैंस का हस्बैंड बना बैठा है कोई सो दैट इज़ नॉट एनिमल हस्बैंड्री मीन्स नॉट एनिमल दैट काइंड ऑफ द हस्बैंड हसबैंड मतलब होता है देख रेख करने वाला ठीक है लार्जेस्ट पीज एंड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद हाई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ दर्टाइल वोल्केनिकॉइल वोल्केनिकॉइल मिलती है ब्लैक रीजन क्या है दोस्तों फर्टाइल है ठीक है ये आप आपको रिलीजन पता ही इंडोनेशिया में मेजोरिटी ऑफ जो रिलीजन है आपका जो हम मानते हैं मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है दे फॉलो द इस्लामिक जो आपका धर्म है मुस्लिम धर्म जो है उसको फॉलो करती है सी तिमोर ये हमने देख लिया अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका जकर्ता जकर्ता क्या है दोस्तों कैपिटल और कैपिटल सिटी ऑफ द किसकी कैपिटल है आपका आपका ये कैपिटल कैपिटल है सर uh, आपका, इंडोनेशिया की कंट्रीज लाइज ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द जावा यहीं पे जावा पर ही तो स्थित है आपका नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट जो है आपका दिस यहां पर है ना अगर मैं इस मैप में दिखाऊं आपका सो so जकर्ता जो है इट इज लोकेटेड हियर दिख रही है आपको सो दिस इज द कैपिटल ऑफ द इंडोनेशिया सो हम यही बात कर रहे हैं पिटल ऑफ द इंडोनेशिया एंड लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द जावा देश की राजधानी जावा उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है आपके जावा के आइलैंड के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है कमर्शियल एंड चीफ पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द इंडोनेशिया एक बात बताओ जब कैपिटल है तो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर तो होगी या नहीं होगी यह बताओ आप ठीक है इंडोनेशिया का सबसे मुख्य पोर्ट है जहां से मुख्यतः जो इंडोनेशिया के व्यापार जो है उनको हैंडल किया जाता है ठीक है ये इसका एक और बात है एक इंपॉर्टेंट बात है कमर्शियल एंड चीफ पॉलिटिकल सेंटर इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया जहां से नियरली जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं वो सब लगभग यहीं से हैंडल होते हैं टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं कपड़ा उद्योग ऑयल ऑयल माइनिंग ठीक है रबड़ प्रोसेसिंग प्लांट स्टील वर्कशिप ंग एंड फूड प्रोसेसिंग आर द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ दिस सिटी इस सिटी के अंदर में ये महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आपके होते हैं उसके बाद हम बात करें बांडूंग, बांडूंग जो है वो एक वोल्कैनिक प्लाटू है बांडुंग जो है ये भी एक शहर है बेसिकली सिचुएटेड ऑन द वालकैनिक प्लाटू एंड मेनी लाइट इंडस्ट्रीज बहुत सारी जो है यहां पर लाइट इंडस्ट्रीज हैं प्रकाश है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द द सिन आपका फॉर दिन की दवाई बनती है ना है ना बुखार में भी इस्तेमाल भी करते हैं तो कुनीन बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा सिंकोना की आवश्यकता होती है वो आपका बैंड से ही मिलती है हमें है ना जो कुनीन की दवाइयां होती है ना बुखार में इस्तेमाल करते हैं पता है कितने बच्चों को पता है हेलो अफरोज अहमद कुलदीप कुमार हेलो हरपाल कंबोज हेलो हेलो लेट आ रहे हो यार आप लोग है ना आपको लग रहा है क्लास नहीं होगी बस नहीं क्लास अभी होगी डेली कंटिन्यू अपनी क्लास होगी यार कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में मैं फंसा हुआ था चीजें हो गई हैं है ना और सब बढ़िया रहेगा आप क्लास टाइम पे करेंगे हम कोई टेंशन वाली बात नहीं सारी क्लासेस होंगी और नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों आप बढ़ा देंगे ओके चलिए सुमात्रा पहला देख लिया हमने बांडुंग बांडुंग में लाइट इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज्यादा एक आपका वोल्कैनिक प्लेटू पर स्थित है साथ साथ में अगर मैं बात करूं दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर द दिनोना है जो कुनीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंकोना वो सबसे ज्यादा सप्लाई यहीं से होती है सुमात्रा सुमात्रा को हम अब बात करें तो आपका एंडल्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एंडल्स लाइज इन द बोथ नॉर्दर्न एंड द सदर्न एमिस्फेयर सुमात्रा भी एक आइलैंड है ना अरे अभी तो बताया यार भूल बहुत जल्दी जाते हो आप लोग दिस इज सुमात्रा देख रहे हो ये सुमात्रा है सुमात्रा और मलेशिया आपस में अलग होते हैं किससे मलाका स्टेट से ठीक है सुमात्रा जो है दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया हियर दिस इज द सुमात्रा ये लार्जेस्ट आइलैंड है किसका दोस्तों आपका इंडोनेशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आपका स्थित है बिल्कुल ट्रॉपिक इससे आपका इक्वेटर इससे पास होता है उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कालीमंथन उनको इसको बोलते हैं इंडोनेशियन बोर्निया यहां पर हमने इंडोनेशियन बोर्निया क्यों बोला क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया सर बोर्निया दो भागों में बटा हुआ है यार ये देखो यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं सो हेयर बोर्निया इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट जो अपर बोर्निया है ना ऊपर वाला बोर्निया आइलैंड है ये जो है ये किसके अंदर आता है दोस्तों इट इज अ पार्ट ऑफ मलेशिया एंड जो नीचे वाला बोर्निया इट कम्स अंडर द किसके बीच में आता है दोस्तों ये ये आता है आपका ए, इंडोनेशिया के अंडर में इसकी भी एक हिस्ट्री रही है मैं बताऊंगा ठीक है पहले अगर हम बात करें तो ये मलाया पेनिनसुला जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है सिंगापुर वाला पार्ट है ये सारा का सारा एक पार्ट हुआ करता है ठीक है बाद में सक्सेशन हुआ सिंगापुर का ठीक है ये अलग अलग बदले पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी सारे के सारे फिर कैसे कैसे ये अलग अलग हुए उनका एक इतिहास है मैं आपको बताऊंगा मले, 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 मले मलेशिया के अंदर मलाया पेनिनसुला के अंदर मैं आपको बताऊंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब हम है ना अब आगे हम बढ़ते हैं तो सुमात्रा हमने देखा सुमात्रा के बारे में देखा तो ये हो गया बोरलिया बोर ये भी आपका उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित होता है एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द द सेलेबस आइलैंड बाय मकासर स्टेट जो सेलेबस आइलैंड है ठीक है उसे मकासर स्टेट जो है उससे ये क्या होता है दोस्तों आपका अलग होता है दिस इज इसके नीचे देखो जावा सी है है ना इधर देखोगे तो दिस इज सेलेबस सेलेबस सी ये सी ठीक है और ये रहा सेलेबस तो यहां पर है आपकी कौन सी स्टेट जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं दैट इज द मकासर स्टेट ठीक है दिस इज मकासर स्टेट तो so दिस इज सेलेबस सी तो ये जो तो स्ट्रेट है इनके बीच में दिस इज आपको दिखाई नहीं दे रही होगी शायद मैं आपको दिखा देता हूं मैप नहीं ल, खोले हुए क्या यार अरे मैप देखो मैप फटाफट देखो मैप मैंने पहले ही बोला हुआ है मैप कंपल्सरी है यार मैप ओपन करो नहीं पी नहीं मिलेगी श्याम कुमार पी है ही नहीं यार अलाउड नहीं है यार मैं क्या बताऊँ नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना पी देने में है ना सर अनकेडमी ऐप पर जो कुछ भी करते हैं वहाँ कैसे जाएंगे अनकेडमी ऐप पर जाना है दोस्तों आपको तो उसके लिए आपको अनकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है आपकी प्लस क्लास के लिए और जो फ्री क्लास होती है वो आपको ऐसे ही मिल जाती है फ्री तो फ्री होता है तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं सुमित टेन मेरे से आप संपर्क साध सकते हैं कहाँ पर जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो यू कैन मेल मी एट सुमित राठी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है यू कैन मेल मी ऑन सुमित राठी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ये मेरी क्या है दोस्तों ये मेरी ईमेल आई डी है प्रतीक बोल रहे हैं कि सर आपकी ओल्ड वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रही है एनडीए एग्जाम देखो दोस्तों कोई भी एग्जाम हो जो यूपीएससी कंडक्ट करता है चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो जो भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है मतलब फाड़ दोगे आप अगर इतना आपने पढ़ लिया ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है यू आर अनस्टॉपेबल आपको कोई रोक ही नहीं सकता ठीक है मैं गारंटी दे रहा हूँ इतना पढ़ने के बाद में यू विल बी अनस्टॉपेबल यार कोई रोक ही नहीं सकता डोंट वरी अबाउट दैट ओके तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी क्वारी है यू कैन मेल मी ऑन बस सब्जेक्ट जो होता है ना उसमें लिख देना ऊपर सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन ओके सो जकरता उसके बाद इंडोनेशिया ये हमने पढ़ी लिया सारा का सारा तो मैं ये बता रहा था आपको है ना कि दो से बना हुआ है और यहां पर है मकासर स्ट्रेट है. लेकिन मैं आप लोगों से परिश... मैं थोड़ा सा नाराज हूँ और नाराज मैं इसलिए हूं क्योंकि आप मैप जो है वो ओपन करते ही नहीं है, है ना मैप आपको बोलना पड़ता है मैप ओपन करो मैप में देखेंगे मैप में देखेंगे और मुझे बार बार बोलना पड़ता है मुझे ना आपके रिस्पॉन्स सही रहते हैं कमेंट बॉक्स में तुरंत जो कमेंट बॉक्स में बाकी की बातें चलती रहती हैं उससे अच्छा मज़ा कब आए पता है मज़ा तब आए जब आप फटाफट से मेरे को रिस्पॉन्स करो मैं कहूँ मकासर स्टेट भाई यहाँ पर है आप बोलो सर हो गया बस हो गया हो गया ऐसे चलना चाहिए आपका ठीक है देखो एशिया फिजिकल जो है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा स्टेट ऑफ मकासर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है देखो सेलेबस आइलैंड यहां पर है ठीक है वैसे इसमें भी मैंने दिखा दिया है बट स्टिल यहां पर देखोगे बोर्नी आइलैंड थोड़ा सा और आपको क्लियर दिखाऊं तो मैं यहां पर देख सकते हैं ठीक है यहां पर सो दिस इज सेलेबस सी हेयर अगर मैं बात करूं यहां पर दिस इज द स्टेट ऑफ मकासर कितने बच्चों को मिली देखो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं साउथ ईस्ट एशिया इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो समझ में आएगी नहीं आपको है ना दिखेंगी नहीं और फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाती है सो हेयर लाइज द स्टेट ऑफ मकासर दिखा कितने बच्चों को नहीं मिला यार जल्दी बताओ जल्दी 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 मिल गया हा फिजिकल मैप के अंदर है कोई बात नहीं पॉलिटिकल मैप के अंदर भी दिया हुआ है आप देखोगे दोनों पर है ठीक है दोनों जगह पर है आपका याद रखना स्टेट ऑफ माका सर किसको जोड़ती है तो आप क्या बोलोगे सर ये जोड़ती है सेलेबस सी को किससे आपका कनेक्ट करती है किससे आपका दोस्तों जावा सी से कनेक्ट करती है ठीक है याद रखना आपको ओके ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि मलाका स्टेट किसको जोड़ती है तो इधर क्या है दोस्तों इधर इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल मान लो और इधर क्या है दोस्तों दिस इज तो जावा सी को इंडियन ओशन ये बहुत जरूरी है दोस्तों ऐसे ये पूछ ले आपसे स्टेट ये कौन सी किसको जोड़ती है सुंडा स्टेट तो इसमें बोलोगे जावा को जावा सी को किससे जोड़ती है अगर हम बात करें नीचे तो इंडियन ओशन से जोड़ती है तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको अपने आप से ध्यान में रखनी पड़ेंगी ओके आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों मैं काली मंथन इसको इंडोनेशिया बोर्निया बोलते हैं मैंने बता दिया आपको सिलेबस और यहां पर आपका माकासर स्टेट है माकासर के बारे में बात भी हमारी हो चुकी है नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सिंगापुर यार बहुत छोटा सा एरिया है, देखो यहां पर मलेशिया के जस्ट सदर्न टिप पर है मलेशिया जो है ना उसकी दक्षिणी टिप जो है वहां पर स्थित है आपका और नाम क्या है दोस्तों इसका दिस इज सिंगापुर मलेशिया की जो सदर्न टिप है उसके ऊपर स्थित है और इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली इसको हम बोलते हैं आपका सिंगापुर दिख रहा है आपको सभी को उम्मीद तो है दिख रहा होगा दिख रहा है ना मिल गया सभी को ये रहा अच्छा से क्वेश्चन आया हुआ है सिंगापुर से सोहेर दिस सिंगापुर ये नीचे अभी मैंने बताया सुमात्रा ये ऊपर मैंने बताया था मलेशिया मलांसुलटेट तो के जस्ट ऊपर स्थित है आपका स्टेट के ऊपर सिंगापुर है ना छोटा सा देश है बट बहुत डेवलप्ड है यार बहुत ज्यादा बहुत पैसा है ना सिंगापुर देखोगे आप तो 620 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 620 बस इतना ही है सर हाँ 620 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया की सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है दैट इज नथिंग बट न सिंगापुर और सबसे बड़ा मैं पूछ लेता हूं तो आपसे सर इंडोनेशिया इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट स्टेट अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इज स्मॉलेस्ट स्टेट इज द सिंगापुर है ना सिंगापुर क्या है स्मॉलेस्ट स्टेट है ठीक है कैपिटल क्या है सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर की कैपिटल भी सिंगापुर है ठीक है और सिंगापुर सिंग सिंगापुर मतलब सिंग रहते हैं यहां पे शेर सो दिस इज सिंगापुर द सिटी ऑफ लायंस तो इसको बोलते हैं तो एरिया 620 सौ स्क्वायर किलोमीटर स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया कैपिटल है इसकी सिंगापुर ठीक है सिचुएशन अगर मैं बात करूं द स्मॉल आइलैंड ऑफ ऑफ द द द सिंगापुर सेपरेटेड फ्रॉम टिप मलाया पेनिनसुला लाइज एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलाका मैंने आपको पहले ही बता दिया जो मलाका स्ट्रेट है उसके ऊपर आपका ये बेसिकली स्थित होता है सो हेयर इट इज लोकेटेड ठीक है यहां पर ही लोकेटेड है आपका क्या आपका सिंगापुर जो है है ना तो यहां पर सिंगापुर आपका लोकेटेड है मैंने बता दिया मलाका स्टेट के ऊपर स्थित है इट रिलेटिवली सेंट्रल पोजीशन अमंग द आइलैंड्स एंड द पेनिनसुला ऑफ द साउथ ईस्ट और बहुत डेवलप्ड है इसकी जो लोकेशन है ना बहुत स्ट्रेटेजिक है दोस्तों है ना और इसीलिए दोस्तों ट्रेड पर्पज से बहुत सारे देश जो है यहीं से इसी जगह पे बहुत सारे फ्री पोर्ट भी है ना और इसीलिए यही इसकी लोकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसकी वजह से इसको ये इतना डेवलप्ड है और इतना फेमस है कौन

अगली बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इज ब्रुनई है ना नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों ब्रुनई एरिया देखोगे तो पांच हजार सात सो सत्तर स्कवायर किलोमीटर है। कितना है पांच हजार सात सौ सत्तर स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया आफ्टर द सिंगापुर ब्रुनई जो है दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री दूसरी छोटी कंट्री है आफ्टर सिंगापुर सिंगापुर के बाद में अगर मैं दूसरी स्मॉलेस्ट कंट्री देखूं आपका कहां पर साउथ ईस्ट एशिया में तो उसका नाम क्या आता है बुरनई पॉपुलेशन है तीन लाख बाईस हजार नौ सौ बयासी स्क्वायर किलोमीटर मतलब भारत की तो अगर मैं बात करूं तो कई कई गांव भी ऐसे होंगे जिसमें जनसंख्या इसे ज्यादा हो नहीं ठीक है तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है यार बुरनई की कहां पर स्थित है आपका दोस्तों बुरनई देखो यहां पर स्थित है ये मलेशिया है ना बुरनिया है ना जस्ट इसी में मलेशिया के ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज बुरनई है ना सो दिस इज बुरनई यहां पर आपका लोकेटेड है आप लोगों ने देख लिया बुरनई बुरनई मलेशिया उसके बाद बोर्निया जो पार्ट है किसका आपका दैट इज द पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया ठीक है चलिए सो so, ये है पॉपुलेशन इतनी है लीस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में अगर मैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड सबसे कम जनसंख्या है सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है सब कुछ छोटा ही छोटा है यहां पर ठीक है कैपिटल क्या है दोस्तों बंदर भगवान ठीक है ये इसकी कैपिटल का नाम है बंदर भगवान और बुरनई विच इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स बाय द दावक इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल एंड हैज वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट देखो ये देख रहा हो आप यहां पर ये देखो बुरनई जो है ना ऑलमोस्ट दो पार्ट में बटा हुआ है किसके द्वारा अभी बताता हूं देखो देखो ये रहा ठीक है बुरना ही कुछ ऐसे बना हुआ है देखो कुछ ऐसे ये है ना तो ऑलमोस्ट दो पार्ट में बटा है ना ये ये दो पार्ट में बटा हुआ है यहां से तो ये दो पार्ट में लगभग आपका बटा हुआ और बाटता है और बांटता कौन है इसको दोस्तों ठीक है सारावक सारावक इसको दो भागों में बांट देता है और जो सारावक जो बांटता है ना दो भागों में वो लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है प्लस दुनिया में जो दुनिया जो एक इस, इसके अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा देख रहे हो वर्ल्ड बिगेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्लांट जो है वो कहां पर लोकेटेड है दोस्तों सारा वक्त के अंदर में ये बात क्लियर है या नहीं आपको देखो सिंपल बात बताया मैंने ये बुरनई है देख ठीक है दिख रहा है आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से बुरनई जो है वो आपका लोकेटेड है ठीक है इस प्रकार से यहीं पर इसकी कैपिटल भी है जिसका नाम क्या है दोस्तों कैपिटल नाम बंदर सेरी बेगवान ठीक है बंदर शेरी भगवान भी बोल सकते हैं हम इसको बंदर इसकी कैपिटल है यहां पर लोकेटेड है दो पार्ट में बटता है दो पार्ट में कौन बांटता है दोस्तों इसको सर्वाक। सर्वाक के द्वारा इसको दो भागों में बांटा जाता है जो तेल का एक प्रमुख उत्पादक है और दुनिया में सबसे बड़े तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्रों में से एक है लार्जेस्ट लार्जेस्ट है वन ऑफ द तरलीकृत जो आपके प्राकृतिक गैस है उनमें से एक है आपको दिख भी रहा हो ये मैप में ठीक है बुरना दिख रहा है मैप में दोस्तों आपको ठीक है बहुत छोटा है यार तो ज्यादा बड़ा दिखेगा नहीं सरवाक वगैरह आपको दिखेंगे नहीं बट हां ऑब्वियस है बुर नहीं आपको जरूर दिख रहा होगा दिख रहा है दोस्तों बाकी मैं देख लेता हूं किसी और मैप के अंदर अगर ये कंप्लीट दिखाया गया हो तो लेट्स सी हम्म दिखाया हुआ है आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया में तो वहां पर नाम है सारावक का वहां पर दिखाया हुआ है सारवक बुरनई ठीक है वहां पर दिख जाएगा आपको हाँ मैप तो जरूरी भी है यार ज्योग्राफी विदाउट मैप तो कुछ है ही नहीं है ना मतलब अगर आपको जोग्राफी पढ़नी है और अगर आपने मैप नहीं खोला तो फिर क्या ही किया बिना मैप जाग्राफी तो कुछ है ही नहीं जाग्राफी है ही का जाग्रफी सिर्फ और सिर्फ मैप से ही तो बनता है जाग्रफी आज शाम में मिलना है कब साढ़े नौ बजे क्या पढ़ेंगे सर इंडियन क्लाइमेट मॉनसून शुरू करने वाला हूं कितने बजे साढ़े नौ बजे कहां पर सर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के ऊपर मैं स्टार्ट करने वाला हूं और भी सुन लो कॉन्सेप्ट क्लियर के अंदर आज दो क्लासे आने वाली हैं पहला क्लोन रेलवे जो आपका क्लोन रेलवे और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इन्फ्लेशन जरूरी है या ग्रोथ जरूरी है ठीक है इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएंगी कहां पर होगी बता दिया जाएगा आप सभी को मेरे साथ विद्यमान रहना है ठीक है डन तो ये तीन कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए साथ ही साथ मैं पॉलिटी की कक्षा दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ आपका कहाँ पर एनअमी ऐप के ऊपर तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप खींच के लेंगे मामले को ठीक है बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे बढ़िया तरीके से सिस्टम को बना के चलेंगे क्या करेंगे सिस्टम को बना के चलेंगे अब ठीक है तो बुरनई के बारे में हो गया बुनई अगर मैं बात करूं दोबारा से बात कर दूं दूसरा सेकंड स्मॉलेस्ट है सबसे कम जनसंख्या है भैया कैपिटल है बेरी से आपका कैपिटल कौन सी बंदर सेरी बेगवान बुरनई जो है सारवा किसको दो भागों में बांटता है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस का प्लांट है वो वहां पर स्थित है ऑयल माइनिंग के लिए फेमस आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिलीपींस दिस इज द फिलीपींस देख रहे हो आप फिलीपींस लैंड ऑफ एक्टिव वोल्केनो इसको बोला जाता है सक्रिय ज्वालामुखी का एक देश जो है वो बोला जाता है किसको दोस्तों फिलीपींस को सिर्फ फिलीपींस इज द लैंड ऑफ द एक्टिव वोलकैनो 40 से ज्यादा यहां पर एक्टिव पाए जाते हैं पर फिलीपींस के अंदर में ऐसा क्यों है यू नो इट वेरी वेल जब मैंने आपको बताया था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर तो मैंने बताया था कि देखो जब भी हम बोलते हैं ना कि भाई सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं तो आपके मुंह से क्या शब्द निकलता है बताओ सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं सबसे तगड़ा भूकंप कहां आया होगा बताओ सबसे ज्यादा आपके मुंह से शब्द निकलेगा पता है क्या मैं बता दूं जापान क्यों भाई जापान ने कोई गधी घात लगा रखा है जापान का नाम क्यों लेते हो बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जापान हो गया फिलिपींस हो गया दे आर पार्ट ऑफ द पी आर एफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पेरी प्रशांत पेटी के भाग है एंड वॉट इज पेरी प्रशांत पेटी इज द एक्टिव सबडक्शन जोन विच लाइज बिटवीन द पैसिफिक एंड यूरेशियन हेयर इंडो ऑस्ट्रेल प्लेट दोनों बीच में लाई करता है एंड दैट्स ये हाई जोन है यहां पर एडमी बहुत ज्यादा होती है तो फिलिपींस भी उसी में से एक है सो so, फिलीपीस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ पार्ट ऑफ पी आर एफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक पार्ट है दोस्तों ठीक है इसलिए यहां पर वोल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही होती है कैपिटल का नाम है मनीला सिचुएशन कहां है लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ वियतनाम वियतनाम के ईस्ट में स्थित होता है वेस्टर्न पैसिफिक में है एंड आर्चो पैलेज कंसिस्ट ऑफ अबाउट सेवन हंड्रेड सेवन थाउजेंड एंड हंड्रेड आइलैंड इकहत्तर सो आइलैंड के समूह से मिला के अगर आप बात करोगे तो फिलीपींस बना है तो फिलिपींस भी आइलैंड के समूह से बना हुआ है क्या है दोस्तों देश है लुजोन इन द नॉर्थ एंड द मिंडोनाओ इन द साउथ आर द टू लार्जेस्ट आइलैंड दो बड़े आइलैंड है इसके ठीक है दो बड़े आइलैंड है पहले बात है दोस्तों लुजोन और दूसरा है आपका दोस्तों दैट इज मिंडोन दो बड़े आइलैंड है इसके एक तो नॉर्थ में है और दूसरा कहां है दोस्तों साउथ में दो बड़े आइलैंड है बाकी छोटे छोटे चुरकुट है ठीक है बाकी छोटे छोटे चुरकुट छोट आइलैंड है मनीला द लार्जेस्ट सिटी एंड द कैपिटल ऑफ द फिलिपींस इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ लुजोन कहां पर है दोस्तों मनीला देखो ढूंढ के बताओ मुझे कहां पर इसमें फटाफट से फटाफट से जल्दी से जल्दी, जल्दी से ठीक है मनीला कहां पर है ये आप देखोगे मुझे लुजोन आइलैंड जो है वहां पर स्थित है वेस्ट कोस्ट ऑफ द लुजोन उसके ऊपर आपका सिचुएटेड है की कैपिटल समझ में आया दो बड़े आइलैंड मनीला पश्चिमी प्रशांत महासागर और वियतनाम के बीच में आपका ये बना हुआ है दोस्तों सबसे बड़ा शहर और फिलीपींस की राजधानी है जो लुजोन के पश्चिमी तट पर आपका स्थित है सो so, मिंडानो और दूसरा क्या है लुजोन दो बड़े आइलैंड है जिनसे मिलकर आपका फिलीपींस जो है वो बना हुआ है देखो दिस इज लुजोन दिख रहा है आपको एंड दिस इज Mindanao. ठीक है सो so, ये दो है जिनसे मिलकर बनता है क्या आपका जिनसे मिलकर बनता है दोस्तों आपका फिलीपींस एंड जो कैपिटल की बात कर रहा हूं तो हेयर इज द कैपिटल जो यहां पर है वो है कैपिटल जिसका नाम क्या है दोस्तों आपका मनीला ऐसे तो ये भी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इकहत्तर सो आइलैंड से ये आपका मिलके बनता है सेवन थाउजेंड एंड हंड्रेड आइलैंड जो हैं उनसे मिलकर आपका क्या बनता है आपका फिलिपींस बनता है क्लियर और नोट नोटोन नहीं है किजोन नहीं है अच्छा सिटी के ऊपर है खुशबू ओके ओके सॉरी सॉरी मुझे लगा कि आप शायद लुजोन को किजोन लिख दिया आपने कोई बात नहीं सॉरी चलिए अगली बात करते हैं लाओस तो लाओस तो ये रहा बट लाओस के बारे में पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इंतजार है ना समय लगेगा दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा क्योंकि ये हम करेंगे कल वाली कक्षा में आज का लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है एंड एज यूजल यार लाइक like तो जरूर किया करो ना यार लाइक like और शेयर में कोई कमी आनी नहीं चाहिए लाइक like कर दो फटाफट से ठीक है वन के तो कम से कम जाना ही चाहिए था क्लास के अंदर फटाफट से लाइक करो दोस्तों जिन्होंने मॉर्निंग करंट अफेयर नहीं देखा है जाके देखिए क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बहुत मेहनत लगती है आप लोगों का सपोर्ट उसमें जरूरी है मुझे मुझे चाहिए कि आप लोग जाएं उसको सपोर्ट करें उसको देखें कमेंट करें अपने आंसर लिखें अपनी प्रैक्टिस करें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं जैसा मैं आपको बता चुका हूं इंडियन जोग्रफी का सीरीज में अगर मैं बात करूँ जो रात को साढ़े बजे नौ बजे होती है बट हम साढ़े बजे लेंगे उस क्लास को साढ़े बजे मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्या आपका हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इंडियन क्लाइमेट इंडियन क्लाइमेट जिसमें मॉनसून में, में शुरू करने वाला हूं साथ साथ दो कॉन्सेप्ट क्लियर के अंदर मेरे साथ दो अलग क्लासेस भी आप करोगे तो ये सब रहेगा आपके पास इवनिंग में आज ही ठीक है इवनिंग स्नैक्स के बाद में दूंगा डिनर के साथ में कुछ दूंगा तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ दूसरे चैनल पर भी लेट्स क्रैक यूपीएससी सी अपडेट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग मेल कर सकते हो ठीक है अगर आप चाहते हो आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अकेडमी का आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे मेल करोगे दोस्तों सुमित राठी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और सुमित डॉट कुमार एट द रेट वाई फाई स्टडी डॉट कॉम के ऊपर आप मुझे मेल करोगे दोस्तों कोड आपको याद रखना है मेरा कोड क्या है कोड है मेरा कोड आप इस्तेमाल करोगे टू गेट गेटमी सब्सक्रिप्शन एज यू नो ईयर का सब्सक्रिप्शन और वन ईयर का सब्सक्रिप्शन 2021 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं सजेस्ट करूंगा टू ईयर वैसे प्राइस है 64,000 बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों वो क्या है रुपए में देखो पहला तो डिस्काउंट तो है ही है साथ साथ में आपको इस कंप्लीट प्रोसेस में गाइडेंस मैं दूंगा दोस्तों गाइडेंस बहुत जरूरी है सही समय पर सही किया हुआ

अकेडमी प्लस के लिए आपको यूपीएससी सी एस दो कैटेगरी है मेरे पास जीएस और ऑप्शनल तो पहले यार जीएस कर, परचेज करो फिर ऑप्शनल करना ठीक है पहले जीएस का परचेज कर लो यूपीएससी सी एस जीएस में जाओ या ऑप्शनल जो भी परचेज करना अगर जीएस है आपके पास तो ऑप्शनल परचेज कर लो नहीं तो पहले जीएस कर लो एक साथ भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं है परंतु अब आपको कोर्स जो है वो अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे मतलब पहले जीएस का परचेज करना पड़ेगा और ऑप्शनल का अलग अलग दोनों कोर्स अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे जो भी है जो भी परचेज करना है गोल में वही चूज करना है आपको सपोज जीएस का करना है तो गोल में चूज करो यूपीएससी सीएससी जीएस और उसके बाद जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन के जा, बा, बा, जाने पर इधर आप करोगे जीएस के कोर्स हैं यहां पर और इधर मेरे पास कौन से कोर्स हैं दोस्तों ये ऑप्शनल के कोर्स हैं जीएस के कोर्स की फीस क्या है एक साल की पचास हजार दो साल की फीस है बहत्तर हजार तीन साल की फीस है नब्बे हजार इन सारी फीस पे आप डिस्काउंट ले सकते हो एक्स्ट्रा टेन परसेंट जो आपको मिलेगा जब कब मिलेगा जब सिर्फ आप कोड यूज करोगे दोस्तों क्या सुमित करो दोस्तों आपको कोई स्पेस नहीं है बीच में कोई स्पेस कोमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है सुमिटेन का यूज करो आपको दस परसेंट जो है वो क्या मिलेगा एक्स्ट्रा तो डिस्काउंट मिलेगा साथ ही साथ देखो जब ये कोड आप यूज करते हो आपका डेटा मेरे पास आएगा और आपको पूरी प्रोसेस में मैं खुद गाइड करूंगा आपको जो गाइडेंस है ना वो मैं खुद दूंगा और यूपीएससी में गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों ये है ऑप्शनल के लिए छह महीने का भी ज्वाइन कर सकते हो आप बीस हजार रुपए एक महीने का पांच हजार साढ़े चार हजार रुपए छत्तीस हजार दो साल और तीन साल के लिए पैंतालीस हजार ये आप ज्वाइन कर सकते हो और याद रखना ये ज्वाइन करते समय भी आप कोड यूज करोगे क्या सुमित टेन मेरे कोड का उपयोग करके आप सारे कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो अन एकेडमी पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी कोर्स नहीं होगा जो आप ना देख पाओ सो so, उम्मीद करता हूं जल्द ही आप मेरे साथ जुड़ोगे अन अकेडमी प्लस के ऊपर बाई यूजिंग द कोड सुमिट टेन निस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों अभी सेशन को हम समाप्त करते हैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों मेरे चारों चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों जल्दी से फटाफट ना ऑन दिस नोट आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय